आप जानते हैं धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों के साथ क्या क्या अत्याचार किया। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं जाऊंगा दूत बन करके समझाऊंगा दुर्योधन, महाराज धृतराष्ट्र को भी समझाऊंगा। धृतराष्ट्र ने सुना कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं, दुर्योधन को बुलाया, कहा देखो दुर्योधन केशव आ रहे हैं दूत बन करके तो उनका भव्य स्वागत होना चाहिए, लेकिन विदुर जी जो प्रधानमंत्री हैं और एक तरह से धृतराष्ट्र के भाई भी हैं, दुर्योधन के काका जी भी हैं, एकांत में धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि महाराज आप तो राजा हैं लेकिन आपका ये जो पुत्र है दुर्योधन ये साक्षात कलयुग का मूर्तिमान रूप है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आ रहे हैं, जो कहें उनकी बात मान लेना, अगर उनकी बात मान लोगे तो बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच जाएगा। आ गया दुर्योधन, कहीं से इतना अपमानित किया विदुर को, अपने काका को, कहा मेरे टुकड़े खा खा करके पलते हो मेरे टुकड़े पर, और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिताश्री को भड़काते हो, निकल जाओ यहां से। विदुर जी तो धृतराष्ट्र की तरफ देखने लगे। शायद इस स्थिति में महाराज युधिष्ठिर ये धृतराष्ट्र हस्तक्षेप करें, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ न बोले, चुप रह गए। अपने पुत्र दुर्योधन को ये भी नहीं कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। विदुर जी समझ गए महाराज अब मेरी यहां कोई जरूरत नहीं। और जैसे ही विदुर जी ने कौरवों का साथ छोड़ा तो व्यास जी लिखते हैं स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो, मतलब विदुर जी ने कौरवों को नहीं छोड़ा बल्कि कौरवों के सारे संचित पुण्य ने उनका साथ छोड़ दिया, कौरव पुण्यहीन हो गए। दुर्योधन के हट से ये तय हो गया कि महाभारत होगा और विदुर जी के जाने से कौरवों के पक्ष से निकल जाने से ये भी तय हो गया कौरवों की पराजय होगी। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार। आप जानते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं सनातन की सेवा कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है आप मुझे फॉलो करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँच सके और सनातन की सेवा हो सके। नमस्कार।